हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल केयर होम विद टीना। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अलग तरह का और बहुत ही वेडिंग स्पेशल सीरीज में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक पर्स। अक्सर हमारे पास इस तरह से छोटे छोटे पीसेस होते हैं कपड़ों के, और ये मेरे लहंगे का कपड़ा है और आपको समझ में नहीं आता है कि आप इसका क्या करें, क्योंकि मेरे पास कुछ इस तरह के 14 इंच चौड़ाई और 7 इंच लंबाई के दो पीसेस थे। इसे आपस में जोड़ के अगर आपके पास इतना बड़ा पीस है तो 14x14 इंच का, तो आप वो ले सकते हैं। तो मैं बिल्कुल छोटे से पीसेस से एक बहुत ही प्यारा सा पर्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और इसके लिए हमें एक लाइनिंग चाहिए है दो पीसेस, और इसके पीछे मैंने पेस्टिंग बुकरम लगा दिया है, और जिससे इसकी जो है फिनिशिंग बहुत ही प्यारा आएगा। और इसके साथ ही हमें इसके लिए पॉकेट के लिए चाहिए, तो पॉकेट के लिए मैंने यहाँ पर 6 इंच चौड़ाई और 5 इंच लंबाई का इस तरह से छोटा सा पीस लिया है कपड़े का, और हमें इसी के नाप की एक चेन ले लेनी है, और इस तरह से यहाँ रख कर एक पीस पर हमें इसे चारों बाजू से सिल लेना है। और अब इसकी जो सिलाई है इसके ऊपर हमें इस तरह से लेसेस से लगा कर इसे बिल्कुल डेकोरेट कर देंगे, तो हमारी कहीं पर भी सिलाई नज़र नहीं आएगी और एक बहुत प्यारा सा हमारा पर्स मिनटों में तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमारा एक पीस लेना है ये वाला जो कपड़े का है हमारा हैवी, और इसके ऊपर इसे इस तरह उल्टा रखकर हमें इसे सिल लेना है और दोनों ही पीसेस को, और फिर हमें इसे सीधा कर लेना है, और सीधा कर लेने के बाद हमें इसे बिल्कुल बराबर रखकर चारों बाजू से सिल कर एक पीस तैयार कर लेना है। मेरा मिशन आपको ईजीएस्ट वे में सिखाने के साथ साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाना भी है। मेरे मिशन में मुझे सक्सेस कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों बाजू से 3 से 4 इंच छोड़कर साइड में इस तरह से फ्लिट्स लेनी है, और हमने ये दोनों बाजू ले ली और बीच में भी हमें इसी तरह से एक फ्लिट्स लेनी है, और इसे आप पिनअप कर लीजिए जिससे आपको सिलाई में आसानी हो। मैंने दोनों पर ही इस तरह से पिनअप कर लिया है और फिर इसे सिल कर एक पीस तैयार कर लिया है। इस तरह सिल लेने के बाद अब हमें इस पर जो है चेन लगानी है, तो इस बात का आप खास ध्यान रखें कि जो भी आप चेन का यूज़ करें वो मैचिंग कलर की करें, जिससे आपके पर्स का लुक बिल्कुल मार्केट लुक आएगा। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको इसमें मैचिंग की ही चेन का यूज़ करना है। इस तरह से कर लेने के बाद अब हमें इसे उल्टा करना है और यहाँ पर हम इसे सिल लेंगे। तो हम इसे जो है चारों बाजू से सिल कर एक हमारा पर्स तैयार हो गया, लेकिन अभी पर्स को और थोड़ा ज़्यादा लुक देने के लिए हमें इसे इस तरह से उठाकर यहाँ पर हमें साइड में 1 इंच पर निशानी कर लेनी है, और इस 1 इंच के दोनों ही बाजू निशानी कर लेने के बाद हमें इस भाग को सिल लेना है। इस तरह के पर्स मार्केट में बहुत ही कॉस्टली मिल रहे हैं, तो इसे आप बिल्कुल आसानी से घर पे तो बना ही सकते हैं, परंतु आपके पास जो भी मटेरियल है आपके हेवी लहंगे के ड्रेसेस के, उनका आप बड़ी आसानी से यहाँ रीयूज़ भी कर सकते हैं। इसे आप मिक्स एंड मैचिंग करके अपने कपड़ों के साथ पहन सकते हैं, अपना लुक बहुत प्यारा ला सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह की मोती की लड़ियाँ ली हैं, ये मुझे 30 रुपीज़ मीटर मिली थी, तो मैंने 1 मीटर में से इसी तरह से इसे साइड में लगा दिया है इसके हैंडल की तरफ, तो इसका लुक बहुत ही अमेजिंग आ रहा है। अंदर भी हमारा एक चेन है और एक बहुत अच्छा पॉकेट वाला हमारा ये पर्स मिनटों में तैयार हो गया। आपको ये आइडिया कैसा लगा मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा, और आप कि एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ही होगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमेशा लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ से लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल केयर होम विद टीना, और मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए आइडिया और वीडियो के साथ।